नमस्कार दोस्तों, मैं हिना स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल द फैक्ट टाइम में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नौजवानों से और जानने वाले हैं उनके विचार। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? दिव्या। दिव्या, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कर रहे हैं, अभी कहाँ से हैं, तो जरा बताइए हमारे दोस्तों को। आई एम फ्रॉम मंडी गोविंदगढ़ और मैं अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रही हूँ और ये लास्ट ईयर है मेरा। आप ग्रेजुएशन कर रही हैं और काफ़ी अच्छी एजुकेशन आप ले रही हैं। हमें बताइए कि एक 13-14 नाम की संस्था है, उसके बारे में क्या जानती हैं? क्या आप कभी वहाँ गई हैं? हाँ जी, मैंने वहाँ से, मैं यहाँ पे हर महीने आती हूँ और मैंने यहाँ से नामदान ले रखा है गुरुजी से। और ये बहुत, मतलब इन्होंने कहा कि ये 13-14 में हर महीने आती हैं। एज अ गर्ल कितना एक सेफ अपने आप को महसूस करती है 13-14 में आकर? यहाँ पे सभी गर्ल सेफ हैं और यहाँ पे कुछ ऐसी बात नहीं है जो मीडिया ने बहुत ज़्यादा फैलाई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि जैसा मीडिया दिखा रहा है वैसा यहाँ कुछ नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ पर? मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पर? यस, इनका कहना है महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं यहाँ पर। किस तरह की शिक्षा आप लोगों को दी जाती है गुरुजी के द्वारा? आजकल यूथ को ये शिक्षा दी जाती है कि नशों में, आजकल जो ये यूथ है वो नशों में बहुत पड़ रहे हैं। नशा यहाँ पे नशा ना करने की दी जाती है। कई मानवता भलाई के काम चलाए जा रहे हैं गुरुजी के द्वारा, जो उनमें बहुत पढ़ाई की जा रही है। बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने हमारे साथ साझा किए कि बहुत अच्छी शिक्षा इन्हें 13-14 से मिल रही है और ये काफ़ी लंबे समय से 13-14 में आ भी रही हैं और आती भी रहेंगी, ऐसा इनका कहना है। तो ऐसे ही सच्ची बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द फैक्ट।